हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ बिना लहसुन और प्याज की सब्जी की रेसिपी और बहुत ही करारी पूरियों की रेसिपी भी शेयर करूंगी। साथ में इस नवरात्रि में बहुत सारे लोग लहसुन और प्याज को नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये रेसिपी आप लोगों के लिए बनाई है। ये पंजाब का बहुत ही स्पेशल भंडारे वाली जो सब्जी और पूरी होती है, तरी वाली आलू की सब्जी, उसी की रेसिपी है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पे मैं आटा लूँगी, तो आटा यहाँ मैंने कम से कम 4 कप लिया है। अब 1 चम्मच इसमें नमक और 1 चम्मच यहाँ पे देखिए आप अजवाइन डाल रही हूँ। 2 चम्मच यहाँ पे मैं सूजी डाल रही हूँ। 2 चम्मच घी डालूंगी। सूजी डालने से आपकी जो पूरियाँ है ना, बहुत ही करारी, कुरकुरी सी और बहुत ही मज़ेदार होगी। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से पहले मैं मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। अजवाइन से बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा, तो इसमें अजवाइन आप ज़रूर मिक्स करें। अब थोड़े थोड़े पानी डाल के इसका जो डो है हम लोग थोड़ा सा हार्ड लगाएंगे। जनरली सभी पूड़ियों का डो हम लोग जो है थोड़ा सॉफ्ट लगाते हैं, लेकिन इसका आपको हार्ड लगाना है, क्योंकि हम इसे जब आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा आटा लूज होता है। तो अगर आप पहले ही बहुत पानी दे देंगे तो बाद में ये जो आटा है गीला हो जाएगा और आप लोगों को पूरी बनाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए आटा को जो है हार्ड ही गूंदे। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़े थोड़े पानी डाल के इसे गूंद लूँगी। यहाँ पे आटा जो है वो मेरा गूंद चुका है, और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं काफ़ी सख्त आटा लगाया है मैंने। इस तरीके से इसे गोल कर लूँगी और 1 चम्मच ऊपर से और इसमें मैं घी डाल दूँगी, ताकि जब हम इसे रेस्ट करने के लिए रखें तो ये जो है सॉफ्ट ही बना रहे, सूखे नहीं आटा। चारों तरफ से इस तरीके से आपको घी को लगा देना है, क्योंकि ये हम लोग व्रत में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पंजाबी डिश से इन्फ्लुएंस होकर ये रेसिपी बनी है, तो इसलिए इसमें सिर्फ देसी घी का यूज होगा। अब यहाँ पे 5 छोटे टमाटर, अदरक का 2 टुकड़ा और 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग लाल मिर्च को अवॉइड करते हैं। मैं पर्सनली भी अवॉइड करती हूँ लाल मिर्च, तो इसलिए हरी मिर्च में ये सब्जी बनी है। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे प्यूरी बन के रेडी है, तो सब्जी बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुकर मैंने चढ़ा दिया है और उसके बाद इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। तो घी डालेंगे तो आप व्रत में भी सेंधा नमक डाल के इसे खा सकते हैं, बना करके बहुत ही ईजिली बन जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच पीला वाला सरसों, अगर आपके पास काला वाला सरसों हो तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद 2 कटी हुई हरी मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक का कटा हुआ, 4 से 5 यहाँ करी लिप्स, सबको डाल के हम लोग मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये जो है हमारा तड़का भून चुका है। अब यहाँ पे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं डालूँगी, 2 चम्मच बेसन। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगी सब्जी में, तरी वाली सब्जी का ये जान होता है, तो इसे आप ज़रूर डालें। मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 1/2 चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी का पाउडर और यहाँ पे 1 चिटकी हींग डालूंगी। अब इन मसालों को 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी लो फ्लेम पे इस तरीके से भून लेना है, ताकि ये मसाले जले नहीं। अगर आप हाई फ्लेम पे इसे भूनेंगे तो मसाला जो है वो जल जाएगा। और सारी मसालों की, सारी रेसिपी की डिटेल्स के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। अब यहाँ पे प्यूरी को डाल देंगे, जो हमने टमाटर, अदरक और मिर्च की प्यूरी बनाई है, और हाई फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे। जनरली हम सब्जियों में से तेल छोड़ने तक पकाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से 2 मिनट 3 मिनट भूनने के बाद इस तरीके से मैंने आलू, 4 से 5 आलू को क्यूब्स में कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें मिक्स कर दीजिए और सब्जी जो है अभी से देखिए कितनी लाजवाब दिख रही है। आप इतना अच्छा ये टेस्टी आपको सब्जी लगेगा कि आप लहसुन और प्याज खाना अब तो भूल ही जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे गरम पानी। तो पानी की क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तरी वाली सब्जी बना रहे हैं। तो थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है, और ये देखिए अच्छे से पानी ऐड करने के बाद इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा आमचूर पाउडर, बिल्कुल भी 2 चुटकी यहाँ पर मैं डाल दूँगी। उसके बाद लंबे लंबे इस तरह से कटे हुए जो अदरक है उसे डाल दूंगी। थोड़ा सा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ मीठा भी डाला है, ये आपकी सब्जी में स्वाद में 4 चांद लगा देगी। तो इसे आप ज़रूर डालें, और डालने के बाद 2 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे पका लिया है। अब हम लोग कुकर का ढक्कन हटा के देखते हैं। गैस को मैंने फिर से ऑन कर दिया, और ये देखिए आलू जो है पक चुकी है। तो इसमें मैं डालूँगी रोस्टेड कसूरी मेथी,
तो कभी भी सब्जी में कसूरी मेथी आपको डालना हो तो हल्का सा रोस्ट करके डालें, टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। अब 20% आलू को हम लोग इस तरीके से मैश कर लेंगे, इससे क्या है आपकी ग्रेवी जो है अच्छी थिक बनेगी और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरीके से दबा दबा के साइड से आपको इसको फोड़ लेना है आलूओं को, और देखिए ये कितना अच्छा से ग्रेवी दिख रहा है। अब इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच गरम मसाला, 2 कटी हुई हरी मिर्च, बीच से मैंने हरी मिर्च को काट के डाल दिया है। इसमें 1/2 चम्मच काला नमक डालेंगे, इससे बहुत मस्त स्वाद आता है, और कटी हुई ढेर सारी धनिया की पत्तियाँ। अब इसे मिक्स कर देंगे तो ये जो है हम लोगों का भंडारे वाला आलू की तरी वाली सब्जी जो है वो बन करके रेडी हो चुकी है। तो इसे अब हम लोग साइड में रख देंगे, और ये देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी दिख रही है। आलू जो है दिखा देती हूँ मैं, काट के बहुत अच्छे से पक चुकी है और ग्रेवी भी अच्छी आई है। अब यहाँ पे पूड़ियों को देख लेते हैं, तो 1/2 घंटा हो चुका है। इस आटे को जितने ज़्यादा देर तक आप छोड़ेंगे उतना अच्छा आपका पूरी बनेगा। जो घी लगाया है उसको इस तरीके से हम लोग गूंद के थोड़ा सा इसमें मिला लेंगे। अब आपको पेड़े बना लेने हैं, जितने भी बड़े साइज़ की आपको पूड़ियाँ चाहिए। तो यहाँ पर मैं सारे पेड़े को काट लूँगी, तो यहाँ पर देखिए सारे पेड़े बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे रोल कर लेते हैं, तो चकले बेलन पर हम इसे थोड़ा थोड़ा घी लगा करके इस तरीके से रोल कर लेंगे। ये देखिए ये परफेक्ट साइड का मैंने पूरी रोल कर लिया है। इसी तरीके से जितनी भी पूड़ियाँ हैं सारी पूड़ियों को हम लोग रोल कर लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, 6-7 पूड़ियाँ एक बार में रोल करती हूँ, फिर उसमें तल लेती हूँ, फिर 6-7 रोल करती हूँ और तल लेती हूँ, मुझे ऐसे आसानी होती है। तो एक बारी में मैं कम से कम 6-7 पूड़ियों को रोल करूँगी, उसके बाद ही मैं तलूँगी। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये जो है पूड़ियाँ मतलब रोल हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए ढेर सारी पूड़ियाँ मैंने रोल कर ली है, तेल पहले से ही मैंने गरम करने रख दिया है, तो अच्छे से ये गरम हो चुका है। आप चाहें तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। और ये देखिए एक तरफ से फूल गया है, तो अब दूसरी तरफ से पलट के थोड़ा सा इसे प्रेस कर देंगे। प्रेस करने से जो पीछे का पार्ट होता है ना वो बराबर से सिक जाता है। तो इसी तरीके से सारी पूड़ियों को मैं इसमें तल लूँगी, ये बहुत ही आसानी से तल जाएंगी, बहुत ही अच्छा फूलेंगी, क्योंकि बहुत अच्छा हम लोग का जो आटा है वो मैरिनेट हुआ है। और जब हम पूड़ी के आटे को सख्त लगाते हैं ना तो वो तेल भी जो है ना बहुत कम ही सोख्त करती है। अगर आप गीला आटा लगा के पूड़ी को तलेंगे तो बहुत सारा तेल जो है इसमें ये सोख्त हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि पूड़ियाँ जो हैं वो सख्त आटा गूँध के बनाई जाती हैं। तो ये देखिए कितनी फूली फूली लाल लाल कितनी कुरकुरी सी हमारी जो पूड़िया है वो दिख रही है, और इसका स्वाद वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मैंने फर्स्ट टाइम इस टाइप की पूड़ी बनाई सूजी वगैरह डाल के, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी भंडारे वाली तरी वाली आलू की रेसिपी रेडी है, और ये बहुत ही टेस्टी दिख रही है, और ये टेस्टी बनी भी है। तो अगर आप किसी फेस्टिवल में या जैसे कि अभी नवरात्र चल रहा है तो उसमें इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। भोग वगैरह में भी आप इसे बना करके चढ़ा सकते हैं। अब हम लोग साइड साइड में अपनी जो पूरियाँ हैं उसे लगा देंगे। तो रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरा इसी तरह का जो अगला वीडियो आए आपको सबसे पहले मिले। तो ये बन के रेडी हो चुका है, तो इंजॉय करिए ये बिना लहसुन प्याज का भंडारे वाला आलू की सब्जी और पूरी। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।